केएल राहुल बोले, हमारी पीढ़ी में कप्तान का मतलब एमएस धोनी है। टीम इंडिया के टैलेंटेड बल्लेबाज लोकेश राहुल इस वक्त इंग्लैंड में है और ऐसा माना जा रहा है कि 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में उन्हें मौका मिल सकता है। वैसे लोकेश राहुल ने टेस्ट सीरीज से पहले फोर्ब्स मैगजीन के साथ खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी पर बड़ी बात कह दी। केएल राहुल ने कहा कि उनके लिए कप्तान का मतलब धोनी है। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने धोनी की उपलब्धियों से ज्यादा उनके चरित्र की तारीफ की। केएल राहुल ने यह भी कहा कि धोनी ने कई ट्रॉफी जीती है, लेकिन इससे बड़ी बात उनके अंदर मौजूद विनम्रता और शालीनता है। केएल राहुल ने फोर्ब्स के साथ बातचीत में कहा, अगर कोई कप्तान शब्द कहता है तो हमारी पीढ़ी में पहला नाम महेंद्र सिंह धोनी ही होगा। हम सब उनकी कप्तानी में खेले हैं और हमने कई ट्रॉफी जीती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि हर कोई उनका सम्मान करता है और अपने करियर के उतार चढ़ाव में वो हमेशा विनम्र रहे हैं। लाखों क्रिकेटरों की तरह केएल राहुल के आइडल भी धोनी ही रहे हैं। केएल राहुल जब कम उम्र के थे तो उन्होंने धोनी की ही अपनी प्रेरणा माना। केएल राहुल एक इंटरव्यू में कहा था कि जब रांची जैसे छोटे शहर का लड़का टीम इंडिया का कप्तान बना था तो उन्हें यकीन हो गया था कि वो भी एक टीम इंडिया का हिस्सा बन सकते हैं। बता दें, केएल राहुल ने टेस्ट, वनडे और टी20 डेब्यू एमएस धोनी की कप्तानी में ही किया था। आज केएल राहुल भारत के स्टार बल्लेबाज है और खुद भी आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब की कप्तानी करते हैं। बता दें, केएल राहुल इंग्लैंड दौरे पर बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। भले ही वो 2019 से टेस्ट मैच ना खेले हो, लेकिन शुभमन गिल के चोटिल होने के बाद अब उन्हें अंतिम 11 में मौका मिल सकता है। केएल राहुल ने 36 टेस्ट मैचों में 34.58 की औसत से 2006 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने 5 शतक और 11 अर्धशतक लगाए हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।